वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया एक न्यूज़ है आप सबके लिए। जो भी मतलब प्लस टू कंप्लीट किए हो उनके लिए ये पोस्ट है। डायरेक्ट डिफेंस सर्विस में आप एग्ज़ाम देने के साथ आप क्लियर करके एक ऑफिसर बनना चाहते हो उन्हीं के लिए है। लेकिन प्लस टू में आपको आर्मी, यहाँ पर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही में ऑफिसर बनने के लिए यही पोस्ट है। सब सभी जानते हैं वो प्लस टू के बाद भी होता है एंड ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, लेकिन जो प्लस टू के बाद होता है उसको एनडीए बोलते हैं। जो सेम चीज़ कुछ मतलब ट्रेनिंग पीरियड कम हो जाएगा वो उसको सीटीएस बोलते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद। तो इसलिए फिर आज क्या है कि ये जो अभी मतलब जो मैं समझाने वाला हूँ वो है मतलब वही एनडीए नोटिफिकेशन जो निकाला है यूपीएससी ने। एंड उन्होंने बोला है कि आप बस आज से एप्लीकेशन शुरू हो गया है, आप सीधा डायरेक्ट उनके मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डेट इसका होगा वो सिर्फ आपके पास है 20 दिन, 20 दिन मान के चलो, 2 दिन उस जितना दिन होगा लास्ट डेट उससे 2 दिन कम कर दो, क्योंकि लास्ट 2 डेज में वेबसाइट मतलब काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं लोडिंग ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, आज से फटाफट जाके अभी यूँ ये सेशन मतलब एकदम क्लियर हो के इस पोस्ट के बारे में या फिर सिलेबस या फिर मेडिकल में मतलब क्या चेक कराया जाएगा, मतलब कितना स्टेजेस में एग्जाम्स होगा और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस के लिए मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा, ये सभी के बारे में मैं डिटेल्स अभी बोल देता हूँ। तो प्लीज़ अभी कहीं और कोई भी चैनल है वगैरह मतलब जाने का ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप अभी पोस्ट से निकला है, ये नहीं कि बैठ के एक दिन जस्ट पोस्ट मतलब एनडीए क्या है इसे यूट्यूब में देखो, नहीं। यहाँ से मैं बता देता हूँ, मैं जितना हो सके शॉर्टकट में मैं अभी बोल देता हूँ, उसके हिसाब से बाद में जाकर आराम से कर लो। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। जो जिन्होंने मैं यही बोला हूँ यहाँ पर जो तीन ही मतलब फोर्सेस है एकदम गवर्नमेंट के, जो हमारे बॉर्डर में मतलब रात दिन तना मतलब उनके वो लगे रहते हैं, मतलब टेररिज्म को बचाते हैं, उन्हीं मतलब आर्मी एयरफोर्स ने भी उनके ऊपर ही एग्ज़ाम है। मान के चलो देखो एनडीए के लिए सबसे बढ़िया क्वालिफिकेशन आपको जो होना चाहिए मतलब यही है, प्लस टू आप साइंस स्टूडेंट हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल पोस्ट इंक्लूडिंग आर्मी नेवी ऑल्सो एयरफोर्स। लेकिन आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन किए हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हो लेकिन नेवी एयरफोर्स में नहीं। तो चलो फिर देखते हैं आगे जाकर मतलब क्या यहाँ यहीं पर क्या नोटिफिकेशन है। देखो यही बोला है कि आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी नावल अकेडमी में वो एग्जामिनेशन 2i क्यों, देखो 2i एक ईयर में 2i या 1, यहाँ पर 1 भी लिखा होगा। इसके पहले मतलब जब भी आया था नोटिफिकेशन, जब भी अप्लाई करके बच्चे आप जैसे स्टूडेंट्स मतलब दे चुके हो एग्ज़ाम, क्यों देखो एनडीए हो या फिर सीटीएस हो, एनडीए में क्या होता है मतलब एक मतलब साल में हर साल में 2 बार मतलब ये पोस्ट निकालता है। मतलब मान के मतलब ऐसे ही सोचो कि अलग कोई भी ऐसे मतलब एग्जाम्स नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जो एक साल में 2-2 बार उसको निकाले, चाहे 100-100 पोस्ट मतलब बहुत कम पोस्ट भले क्यों ना हो, लेकिन 2 टाइम से निकालने वाले में ओनली एनडीए एंड सीटीएस होते हैं। तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर अगले साल के लिए भी आपको जो फिर नोटिफिकेशन 5 महीने के बाद आ सकता है उसके लिए भी प्रिपेयर करो। ओके, तो चलो फिर डिटेल्स देखते हैं इसके अंडर में क्या होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर दम, हाँ आपको कहाँ जाना है, आपको ही upsc.government.in यही जाना है कि नहीं, यस आपको यही जाना है। डायरेक्ट ऑफिसर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर जो भी करना है वही वेबसाइट में आपको करना है, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करने तक, आपको एडमिट कार्ड निकालने तक, आपको जब लेने तक आपको वही चाहिए, उसके बाद भी आपको चाहिए जो आपका फॉर्मेलिटीज होगा मतलब गवर्नमेंट्स के मतलब जो क्राइटेरिया जो होगा मतलब इन्फॉर्मेशन रेगुलेशंस होगा, आप सबको सब मतलब सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ना कि कहीं लिंक से आप जाओगे। ओके, वही है ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है। देखो तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड एनश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबल कंडीशन, ऑल जो कोई भी नीचे दिया गया है मतलब कंडीशन सब कुछ वो फुलफिल करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, तो देखो
फिर क्या होता है देखो, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड एनश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन एट ऑल द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक पास किए हो इसको अप्लाई कर दियो, मतलब प्लस टू आपके पास नहीं है फिर भी इस साल, मतलब साल इस साल मेंशन करके कुछ भी मतलब परसेंटेज दे के आप अप्लाई कर दियो, ऐसा नहीं चलता है। लास्ट में क्या होगा देखो, यहाँ से तो क्लियर कर लोगे, फिर यहाँ इसके वो रिटर्न क्लियर करने के बाद आपको आगे भी फिर क्या करना है, आगे फिर आप आगे जाकर मतलब इंटरव्यू आप एक आपको एक देना पड़ेगा जो SSB इंटरव्यू उसको बोलते हैं या पर्सनल टेस्ट भी बोलते हैं, मान के चलो वो भी क्लियर हो गया, लेकिन कहाँ बच के जाओगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इसलिए लास्ट में क्या होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ तो फंस जाओगे ना, कुछ भी करके आओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, तो बहुत दुख हो जाएगा क्योंकि आप मेहनत करके सब किए हो लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आप मतलब झूठ बोले हो तो आपको रिजेक्ट होना है। तो अभी मतलब ना अप्लाई करो, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है वो कहीं ना कहीं बेहद मतलब बढ़िया है आप अप्लाई गलत तरीके से करके रिजेक्ट होने से। ओके तो चलो फिर चलते हैं कैसे अप्लाई किया जाए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई हम करेंगे, हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो डायरेक्ट यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट, उन्हीं के मतलब जो भी वेबसाइट है मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पर जाने के बाद मतलब कमीशन का वेबसाइट वहाँ से अप्लाई करो। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा है फिर भी मैं समझाता हूँ, आगे आगे मैं बताऊँगा यहाँ पर लिखा होगा, एक फ़ोटो चाहिए हाँ, पासपोर्ट साइज उसको मतलब देने वक्त में अप्लाई करने को तो लोड करना है आपको, एंड सिग्नेचर भी देना पड़ता है, उसके साथ ही साथ भी आपको मतलब क्या आपको एक ओरिजिनल आईडी होना चाहिए आपके पास, मतलब आधार कार्ड जहाँ की पता चलेगा आप कहाँ से बिलिंग करते हो, मतलब इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी, मतलब कौन हो आप, आधार कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस आप प्लस टू के हो मतलब होगा या फिर भी नहीं होगा, पासपोर्ट तो ही है, मतलब वोटर कार्ड आधार कार्ड तो हो ही गया, एंड पैन कार्ड तो सभी के पास होता है, फिर भी आपके पास नहीं है, आपके पास अभी अभी अकाउंट खुले हो, आपके पापा मम्मी के पास है, फिर भी पैन कार्ड भी आपके बना लो, बेटर होगा आगे आने वाले समय में। ओके तो उसके बाद क्या है, आपके पास तीन ही चीज़ें में ज़रूरी है, पहले अपने करने से पहले आप एक फोटो, आप अच्छा खासा मतलब जितने केबी में वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा वो एप्लीकेशन अप्लाई करने के समय आप मतलब वो शो हो जाएगा वहाँ पर, रेडी रखो, सिग्नेचर भी रेडी रखो, वो दोनों ही मतलब सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखो, मतलब हार्ड कॉपी नहीं, हाथ में धर के मतलब पकड़ के नहीं, मतलब सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो, मोबाइल या कंप्यूटर में लैपटॉप में जहाँ भी अप्लाई करोगे उसके साथ ही साथ आपको होना चाहिए, या फिर आपके पास ही मोबाइल गैलरी में भी होना चाहिए उसको फिर दे सकते हो, उसके साथ ही साथ एक फोटो एडिट का भी आप गैलरी में हो सकता है या फिर आपके कहीं भी आप रखे हो वो भी हो सकता है, चलेगा। ओके तो चलो फिर ये तीन ही चीज़ लेकर अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही मैं बोला हूँ मतलब आज से लेकर आज से शुरू हो गया है एप्लीकेशन, आप आज से आपको आपको अप्लाई करना है, कब तक ना, आपके हाथ में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, मतलब लास्ट डेट इसका जो है 29th June है। ओके तो चलो फिर देखते हैं क्या है, देखो लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 29th June, और ये भी नहीं कि बहुत सारे एप्लीकेशन में 29 जून के मतलब रात 12 हो जब हो जाएगा तो 30 जून हो जाएगा तब तक नहीं, 29 जून के शाम तक, शाम मतलब 6 PM के तक। ओके हाँ, और एक बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज आई थिंक फर्स्ट टाइम दिया है NDA ने या फिर CTS में भी दिया होगा या फिर देगा, तो क्या है ना, जो मान के चलो आप अप्लाई कर दिए हो, मतलब 29 जून भी आप क्रॉस कर गया है, लेकिन 2 दिन के बाद आपको रियलाइज हुआ नहीं मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हूँ, तो मैं विड्रॉन भी कर सकता हूँ मतलब मेरे एप्लीकेशन को हाँ, तो वहाँ पर भी जो भी क्राइटेरिया होगा उसी हिसाब से आपको मनी भी रिटर्न हो जाएगा, तो जो भी हो आप सोच रहे हो इस साल में नहीं दूंगा फिर अगले साल में ट्राई करूंगा, इस साल से अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा, कहीं ना कहीं मेरे से नहीं होगा तो फिर अच्छा है, इसलिए भी एक वीक UPSC कमीशन ने आपको प्रोवाइड किया, मतलब 29 जून का अप्लाई कर दिए, वो अप्लाई करने से फिर नेक्स्ट 1 वीक मतलब नेक्स्ट 7 डेज तक आपके लिए वो वेट करेगा, 7 डेज में आप डिसाइड कर सकते हो हमको ये एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, मान के चलो आपको डिसाइड हो गया वही 7 दिन में, 29 से 7 8 कर दो 6 हो जाएगा, तो 6 किस में, जून के बाद मतलब जुलाई में हो गया, तो आपको यह मतलब कुछ ना कुछ लगा नहीं करना है, तो एक दिन में ना मतलब एक वीक में आप डिसाइड करो, फिर सेकंड नेक्स्ट वीक में मतलब फर्स्ट वीक में आप डिसाइड करना है, उसके बाद जो वीक आएगा वहाँ पर आपको रिजेक्शन कर देना है मतलब विड्रॉल कर देना है, तो विड्रॉल भी आप कर सकते हो। ओके तो हाँ, मैं जैसे ही बोला हूँ वो तो अलग से बात है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बोला हूँ एडमिट कर सबसे सबके मन में आएगा, सब तक तो हमें अभी इन्फॉर्मेशन जान के बाद हम कर देंगे, लेकिन कहाँ पर फिर
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड करना है, वही ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड करना है। तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। ओके तो चलो, हाँ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी वाइल, हाँ एक आपका ईमेल आईडी भी एक होना चाहिए सब, आपके पास फोटो सिग्नेचर, फोटो आईडी मतलब आधार कार्ड, मतलब कुछ मतलब परिचय पत्र होना चाहिए, इसके साथ ही आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए ना। तो नहीं तो फिर साइबर कैफ में जैसे ईमेल आप अप्लाई करते हो, ईमेल आईडी है उनके, ईमेल आईडी मतलब जब भी मतलब आप जॉब लेने तक भी उनका ईमेल आईडी मतलब काम में आएगा, इसलिए उनको भी कंटेक्ट करते रहना जब भी एडमिट कार्ड या फिर सेकंड स्टेज में सिलेक्शन या फिर इंटरव्यू जाना है वहाँ से एडमिट कार्ड का निकालने के लिए उनका ईमेल आईडी में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी जरूरी है। तो चलो वो दिन फिर है। हाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर किस टाइप का, देखो ऑनलाइन में तो आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करोगे, लेकिन वहाँ पर जो या फिर मान के चलो यही यूपीएससी क्या करता है, मतलब जो एग्ज़ाम कराता है वो सीधी सी बात मतलब वो हमारे सीट ऑफलाइन में कराता है, मतलब चार एक क्वेश्चन के अंडर में चार ही मतलब ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आपको गोल बुलाना है अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, आपको मान के चलो ए सी सही लगा तो इसको पूरा डार्केनिंग अंदर में कर देना है, यही है मतलब वो हमारे बस ऐसे ही होना चाहिए होगा एग्जाम आपका। ओके तो देखो फिर क्या है, फिर यही बोला है कि देखो कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू रीड केयर फॉर द स्पेशल इंट्रोडक्शन। हाँ और एक सबसे बड़ी बात है, जो गोल करोगे आप मतलब डार्क एकदम बीच में एक गोल मतलब सर्कल में आपको मतलब एकदम डार्कनेस मतलब गोल बुलाना है, मतलब उसको सर्कल करना है एकदम डार्कनेस करना है, तो किस बल्ब में भी करते हैं मतलब कौन सा पेन चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लू बल्ब पेन, बहुत सारे का मतलब डाउट होता है, मतलब यही जो जल हम ब्लू करेंगे भी चलेगा तो ब्लैक में करें भी चलेगा, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ आप यहाँ पर जो यूपीएससी की जब भी एग्जाम दोगे ना मतलब ब्लू नहीं लेना है, ओनली एंड ओनली ब्लैक बॉल पेन पेंट आप बॉल पेन पॉइंट आपके साथ लेना है। तो चलो फिर देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है जैसे, हाँ इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर तो आपको अच्छे से खासा समझा दूंगा, उसके बावजूद कुछ डाउट्स है तो हर दिन मतलब ऑफिशियल मतलब संडे छोड़कर सभी दिन क्या कर सकते हो, इसी टेलीफोन नंबर में इसी टेलीफोन नंबर में आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके हाँ इस टेलीफोन नंबर में भी आप क्या कर सकते हो, मतलब ये टेलीफोन नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। हाँ ये टेलीफोन नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये टेलीफोन जो नंबर जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर डार्कनेस बोल्ड बोल्ड के हैं वो वहाँ पर भी आप टेलीफोन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीफोन नंबर यही है। हाँ यही टेलीफोन नंबर हाँ आपको कॉन्टैक्ट करना है। आप और एक बात बोल सकते हो, कभी कितने बजे से कितने समय तक हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो है सुबह 10 बजे मतलब ऑफिशियल जब टाइम शुरू होता है 10 AM से लेकर दोपहर मतलब आफ्टरनून 5 PM तक, 10 से लेकर सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून मतलब हाँ आफ्टरनून 5 PM तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ और इसके बाद ये तो सब हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन है एग्जाम हॉल में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मोबाइल फोन जैसे कि आपको पता है मोबाइल फोन सर बैंड टोटल बैंड आपके साथ आप नहीं ले सकते उसको। ओके हाँ मोबाइल फोन नहीं ले सकते हो, मोबाइल फोन जो है वो बैन है उसके साथ, वो यूजर ऑफ एनी मोबाइल फोन इवन इन स्विच ऑफ मोड करके भी मतलब आपके पास कैसे भी रख के भी आप सपोज मतलब मेल कैंडिडेट हो आपको मतलब जो पेंट में पकड़ है वहाँ पर भी नहीं लग सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरा तो स्विच ऑफ है, नहीं उसको लेते हो कोई बात नहीं, आपके मतलब सेंटर एग्जाम हॉल बहुत दूर है तो आप तो लेना पड़ेगा, लेकिन आपको बैग में सेंटर जहाँ भी सभी मतलब रूम के बाहर जहाँ भी हॉल में जहाँ भी एग्जाम दोगे उसके बाहर ही आपको रख देना है, आपको जहाँ पर सभी कैंडिडेट रखते होंगे वहाँ पर भी आपको बता दिए जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे वो जो भी मतलब टिकट करके मतलब टोकन दे के आपको बैग सही सलामत रख देते हैं, उनके ऊपर भी है ये दायित्व तो वह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए आपको ये सब में मतलब नहीं फंसना है, आप बस ओनली एंड ओनली यहाँ पर जानकारी लेकर तुरंत अप्लाई करके पढ़ना है, बस यही करना है। तो यूज ऑफ एनी मोबाइल हाँ वो तो पेजर या फिर यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव हो या फिर वॉच भी हो, सिंपल वॉच तो चलेगा नहीं तो, लेकिन स्मार्ट वॉच भी नहीं चलेगा। ओके स्मार्ट वॉच भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं लग सकते, ब्लूटूथ भी डिवाइस नहीं लग सकते। हाँ कम्युनिकेशन करने के लिए किसी यानी कि ये सब इसलिए बोल रहा है मतलब कोई फर्जी करने के लिए भी आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। उसके बाद वही बोल रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम, हाँ कि सेफ
सेफ कीपिंग कैन नॉट बी एस्योर, उसका सेफ कीपिंग भी नहीं हो सकता है जो बैंड आइटम कहीं ना कहीं मोबाइल फोन एनी वैल्यूबल कॉस्ट आइटम टू द वेन्यू एज अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग कैन नॉट बी एस्योर, माने मीन्स नहीं बोल सकते मतलब एस्योर होगा कि नहीं, फिर भी हो मतलब रख सकते हो बाहर अंदर में नहीं रखते तो एग्जाम हॉल या फिर जहाँ पर मतलब रूम के एंट्री के होने के समय जहाँ रखते हैं वहाँ भी नहीं। तो चलो फिर क्या है नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर है केंद्रीय सर अप्लाई, मैं बोल चुका हूँ यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन में अप्लाई करना है आपको। हाँ तो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर क्या है थोड़े वही बोल दिया हूँ ना, हाँ अभी ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये जो एग्जाम्स होने वाला है आज से मान के चलो 3 महीने में, 3 महीने के बाद आपके पास 3 मंथ्स है अप्लाई करने के लिए, कहीं ना कहीं 20 डेज है लेकिन आज से लेकर 3 मंथ्स है प्रिपेयर करने में, तो बहुत जल्द कर लो। देखो वहाँ पर उनका जो कोर्स होता है मैं बोला ना मतलब एक साल में दो दो मतलब नोटिफिकेशन निकालते हैं, दो दो टाइम से उसका इंटरव्यू कराते हैं, हाँ मतलब सिलेक्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कोर्स हो जाता है उसको कोर्स भी ऐसे ही कुछ अलग अलग सा नाम देते हैं, मतलब देखो मान के चलो पिछले टाइम में 147 कोर्स था, इस बार इसलिए 148 कोर्स है, इसमें भी आपको कोई मतलब इसमें जानकारी मतलब अभी कुछ ये सब मतलब याद मत रखो, इसमें कोई काम नहीं आएगा, जो याद है वह करना है, मतलब लास्ट डेट तो कभी अप्लाई करना है आज से, कब तक करना है 29 तक लास्ट डेट है, मतलब आपके हाथ मतलब आपके पास 20 डेज है, उसके बाद भी जब भी अप्लाई करते हो ना कोई सी भी फॉर्म उसके कभी एग्जाम होगा वो तुरंत देखिए, ऐसा नहीं कि आपके धीरे धीरे, लेकिन क्या है कि देखो एग्जाम हम डेट हमको पता नहीं होगा या फिर हम पता नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो मतलब लेबर करने का तरीका मतलब जो जल्द मतलब बहुत परिश्रम करने का तरीका हार्डवर्क करने का तरीका जो एक गोल सेट करते हैं, हाँ मैं इस महीने में ये कर लूँगा उस महीने में वो कर लूँगा, और जब लास्ट मंथ जिस जो मंथ में लास्ट मतलब लास्ट डेट में हो एक मंथ में लास्ट एकदम लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है ठीक वही मंथ में मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, तो इसलिए आपका नहीं हो पाएगा, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके मान के चलो मतलब यहाँ पर भी जानना होगा आपको कि 5 सितंबर का आपको एग्जाम है। हाँ तो चलो फिर देखते हैं क्या है, मतलब कितने वैकेंसीज में जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ मतलब 400 वैकेंसीज निकला है, 400 वैकेंसीज यहाँ पर निकला है, द नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब आर्मी के लिए आर्मी एयरफोर्स नेवी टोटली 370 वैकेंसीज है कि नहीं, हाँ 370 वैकेंसी है, इसमें 208 है सबसे ज़्यादा है जो आर्मी में एंड 42 है नेवी में एंड 120 है एयरफोर्स में, जो जहाँ पर 120 है एयरफोर्स में वहाँ पर भी ग्राउंड ड्यूटीज, देखो एयरफोर्स में दो ही ब्रांचेस भी होता है मतलब ग्राउंड ड्यूटीज होता है एंड फ्लाइंग ऑफिसर्स फ्लाइंग ड्यूटीज में भी होता है, तो वहाँ पर भी आपका मतलब 28 ग्राउंड ड्यूटीज में होता है, तो बाकी रहेगा जितना 120 से 28 मतलब क्या करो माइनस कर दो जो भी हो जाएगा जितने भी बचेगा मतलब कितना बचेगा 92 मतलब आपको फ्लाइंग ब्रांच में है, और 30 जो है नेशनल कैडेट मतलब प्लस टू कैडेट एंट्री स्कीम, मतलब आपके पास एनसीसी है क्या, एनसीसी है मतलब जो भी प्लस टू में एनसीसी रखे होंगे उनके लिए बेटर है यहाँ एंड सिर्फ नाभाल में स्पेशल मतलब पोस्ट होता है, मतलब वो इंडिया में तो सबके लिए होता है इसलिए नेवी एयरफोर्स आर्मी यहाँ पर भी सभी इंक्लूड है, और ज़्यादातर आर्मी में ज़्यादा पोस्ट होता है ऑफिसर इसलिए आर्मी में ज़्यादा है और नेवी में वहाँ पर कम रहता है, इसलिए इसमें वहाँ एक जगह उनके लिए स्पेशल बना दिया है, मतलब ये टोटल लगा 370 ये हो गया 30 इसके मिलाकर 400 अच्छा खासा कहीं ना कहीं पोस्ट है, ज़्यादा भी नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या जानकारी, ये तो सब हो गया, हाँ और कुछ, हाँ देखो फिर हाँ आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, जब भी अप्लाई करोगे तो आपके पास मतलब जैसे मैं बोल चुका हूँ फोटो होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और आईडी कार्ड भी होना चाहिए, उसके साथ ही साथ भी आपके पास कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके मतलब जो भी मतलब रीजन से आप बिलोंग करते हो मतलब जो जहाँ भी आपके नज़दीक जो भी सिटीज होगा वहाँ पर आप अप्लाई कर दो, वैसे ही मैं मान के चलो मैं जैसा उड़ीसा में हूँ मतलब उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मेरा क्या होगा मतलब भुवनेश्वर में सर्च करूँगा भुवनेश्वर हो या फिर उड़ीसा में कितना सेंटर्स होगा मैं वहीं पर अप्लाई करूँगा ना, मैं दिल्ली जाके अप्लाई करूँगा
होगा क्या? ऐसे भी नहीं, मतलब ये नहीं कि कोरोना समय है, कोरोना के टाइम है, कोरोना नहीं होता फिर भी अप्लाई करता क्या? नहीं करता ना। तो इसलिए मतलब आपके मतलब मुंबई से बिलोंग करते हो, मुंबई से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप जहाँ भी बिलोंग करते हो, आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो लेकिन हैदराबाद मतलब हैदराबाद के पास हो, तेलंगाना से बिलोंग करते हो हैदराबाद अप्लाई कर सकते हो, एंड नागालैंड से बिलोंग कर सकते हो, कोहिमा मतलब वहाँ अप्लाई कर दो, गोवा में है वो गोवा में, हाँ गोवा तो मतलब महाराष्ट्र नहीं आने का जरूरत नहीं है तो पानाजी में अप्लाई कर दो, जहाँ पर भी वो आपके आसपास वही सेंटर देख के आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे सेंटर्स है यहाँ पर चुन चुन के, मतलब चुन चुन के नहीं, वहाँ पर जब भी अप्लाई करोगे सर्च में वहाँ पर भी आपके मतलब नज़दीक जहाँ भी सेंटर है, या फिर आप मतलब फास्ट लेटर सर्च कर दोगे, आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो के सर्च कर दो आप आ जाएगा कर्नाटक, आप मैं वही बोला आप कोलकाता से बिलोंग करते हो के वो मतलब सर्च करोगे जैसे कोलकाता आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना है। मैं जैसे बोला मतलब भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ तो भुवनेश्वर कर दूंगा, यहाँ पर भुवनेश्वर होगा, बी कहाँ गया चंडीगढ़, ओ सॉरी 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 एक बात याद आया, यूपीएससी में हमारा यहाँ कैपिटल जो भुवनेश्वर है वहाँ पर नहीं होता है, दो ही जगह है, एक जगह है जहाँ पर जुडिशल है उसको कटक बोलते हैं, जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है वो वहाँ पर होता है, और एक होता है संबलपुर, हमारा है वेस्टर्न उड़ीसा जो है वहाँ पर एक जगह है, तो यही है इसे ही मतलब आप अलग कर दो। ये इसके साथ भी कुछ मतलब स्पेशल कैटेगरीज है, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन शुड नोट दैट देयर विल बी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट टू ईच ऑफ द सेंटर्स एक्सेप्ट चेन्नई डिसपुर कोलकाता नागपुर। देखो मतलब फास्ट बेसिस, फास्ट अप्लाई फास्ट बेसिस है, फास्ट बेसिस सीट, मतलब जैसे जल्दी जल्दी करोगे आप वहाँ जो जो जहाँ भी आप चूज करोगे उस सिलेक्ट करोगे वहीं सेंटर आप भी आपको मिल जाएगा। ओके तो इसलिए आप दिसपुर कलकत्ता नागपुर ये जो चार है वहाँ पर ऐसे नहीं होगा, और बाकी के जहाँ भी सेंटर सब अप्लाई एलिजिबल है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके तो देखो कंडीशन क्या है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ आप तो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बस एज नहीं बोला हूँ, एज अभी बोलता हूँ, एज बस बोलता हूँ एज क्या होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े बात है जो पहले मतलब होना चाहिए आप क्या कर रहे हो उससे बाद में कहाँ रह रहे हो, वो जिसको बोलते हैं नेशनलिटी वो होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जहाँ पर नेशनलिटी बोलते हो वो होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ज़्यादातर तो इंडिया सिटीजन में होते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप नेपाल में सिटीजन हो इंडिया में लेकिन इंडिया में अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। देखो इंडिया नेपाल के लिए एकदम फ्री है, इंडिया हमारे यहाँ एग्जाम्स है तो हम ही तो कर सकते हैं, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन नेपाल लोगों भी यहाँ पर ये भी फैसिलिटीज हैं कहीं ना कहीं, देखो वहाँ पर उनका कंट्री है यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं तो ये भी एलिजिबल है। उसके साथ ही साथ भी ये कुछ क्राइटेरिया है, ये आराम से ध्यान से पढ़ लेना, बाद में आप मतलब श्रीलंका से बिलोंग करते हो, मतलब ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। देखो मतलब पहले तो यही बात है, यहाँ पर रह रहे हो नोटिफिकेशन दिखे हो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब मान के चलो आप पाकिस्तान से आप आ चुके हो, ओरिजिन आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हो लेकिन यहाँ पर आ चुके हो क्योंकि आपके पापा बिजनेस करते थे, आ चुके हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, अफ्रीकन बहुत कुछ मतलब कंट्रीज है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी है जो एशिया में, वो सब इसके साथ भी साउथ एशियन जो कंट्री बोलते हैं जो चाइनीज के जैसे देखते हैं, वियतनाम वहाँ के भी हैं, ये सब के सब जो परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया जो परमानेंट सेटल हो गए हैं, भले ही वहाँ पर हो लेकिन यहाँ पर सेटल हो गए, मतलब यहाँ पर भी वोटर कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड कहीं ना कहीं बना लिए हैं, बस वही वो भी एलिजिबल होते हैं, हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ भी सर्टिफिकेट एलिजिबल विल नॉट हाउ ओवर बाय नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट हुआ गोरखा सब्जेक्ट टू नेपाल। नेपाल में जो भी गोरखा होंगे सब्जेक्ट हो गए उनके लिए ये कहीं ना कहीं नेसेसरी विल नॉट हाउ एवर भी नेसेसरी नहीं होगा। देखो हाँ सबसे बड़ी बात है ये है कि एज लिमिट, एज लिमिट क्या होना चाहिए ना, आपका जो एज लिमिट है आप 2 जून 2003 से मतलब उससे पहले क्या मतलब उससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मान के चलो 1 मतलब जनवरी 1 2003 में आपका डेट ऑफ बर्थ है फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब वही बोल रहा है 2 जून 2003 से लेकर आप मतलब आपका 1 जनवरी 2006 मतलब आपको कहीं ना कहीं कितना साल मतलब 3 4 5 6 3 से 2 3 से 4 4 से 5 5 से 6 लेकिन जनवरी हाँ जनवरी भी हाँ मतलब आपको 3 ही साल मतलब यहाँ पर दिया है 3 ही साल इन बिटवीन वो है 2003 से लेकर 2006 के बीच में आप जन्म मतलब आप
आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो चलो फिर देखते हैं क्या है। तो फिर देखते हैं। हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ और एक्सेप्टेड बाय, हाँ डेट ऑफ बर्थ कैसे मतलब उनको पता चलेगा किस बेसिस पर आप मतलब एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ऐसे ही नहीं कि आप बोल दिए ऐसे हो जाएगा, मतलब फॉल्स कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे दे हो जाएगा, नहीं वो सब जो पता चलता है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से पता चलता है, तो ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। चलो फिर चलते हैं देखते हैं। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैं वही बोल चुका हूँ, मतलब आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो कोई भी मतलब प्लस टू किसी में भी किए हो तो चलेगा, मतलब साइंस हो या आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। ओके बाई कंडक्टेड बाई स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ओके है कि नहीं। हाँ तो देखो आर्मी में तो हो गया, लेकिन एयरफोर्स एंड नावल में क्या होगा, वहाँ पर 12th पास होने के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक होना चाहिए, मतलब एक साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। ओके उसके साथ ही देखो, सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एसएससी इंटर बोर्ड कुड नॉट प्रोड्यूस मेट्रिकुलेशन और 10 प्लस 2 और 10 प्लस 2 एसएससी इंटर जो क्वालिफाई कर गया, मतलब रिटर्न तो पहले क्वालिफाई कर गया, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ दो ही स्टेजेस में होता है, पहले रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा उसके साथ जो रैंक लिस्ट में आ जाओगे क्वालिफाई हो जाओगे फिर एसएससी इंटरव्यू आपको देना है। तो वहाँ पर मान के चलो सब कुछ क्लियर कर लिए, फिर एसएससी इंटरव्यू क्लियर कर लिए, उसके बाद भी आप मेट्रिकुलेशन या प्लस टू सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो या फिर कुछ टाइम के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मतलब आपके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो फिर भी इन एट द टाइम इंटरव्यू बोर्ड कुड नॉट प्रोड्यूस मेट्रिकुलेशन और प्लस टू और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, फिर भी इंटरव्यू देने के बाद ही जैसे जल्द से जल्द इसी वेबसाइट मतलब उनके ऑफिस ऑफिशियल साइट में ऑफिस में डायरेक्ट आप पोस्टल के जरिए भेज सकते हो, है कि नहीं। हाँ पोस्टल के जरिए आप भेज सकते हो, वो जो पता है डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट आर्मी हेडक्वार्टर वेस्ट ब्लॉक थाड़े आरकेपुरम न्यू दिल्ली 110066। एंड ऐसे भी नेवल के लिए भी भर सकते हो, ऐसे भी एयरफोर्स नेवल के लिए भी जहाँ है नेवल हेडक्वार्टर डी एम पी आर ओ आई एंड आर सेक्शन रूम नंबर, ये इन्हीं के लिए है जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब देखो आप एग्जाम दिए हो आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए हो एंड एस एस बी इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए, लेकिन जब जो जहाँ जिस डेट में एस एस बी इंटरव्यू था ठीक एकदम ठीक उसके मतलब नेक्स्ट डे में आपको मिल गया सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको, मतलब आपको आपके पास ले रिसीव कर लिए, तो वो जल्द से जल्द आपको इसी मतलब ये में भेजना है। ओके एंड हाँ सेना भवन देखो विंग के लिए, मतलब यहाँ पर भी वो भी है, मतलब आर्मी में बता दिया नेवी में बता दिया एंड एयरफोर्स में भी यही एड्रेस है, अच्छी तरह से देख लेना। ओके 24 जून 2022। देखो ये पीडीएफ भी आप भी खुद ही डाउनलोड करना ना, नहीं तो फिर मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पीडीएफ लिंक, वो मैं जो भी बोल रहा हूँ आप और एक बार, क्योंकि देखो अभी तो सुन लो लेकिन बाद में फिर काम आ सकता है, इसलिए तो कहीं ना चाहिए ना। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। ओके हाँ देखते हैं क्या है। देखो कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द 11th क्लास द एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, जैसे कि बोल चुका हूँ एकदम कंप्लीट तरीके से आप प्लस टू क्लियर करना चाहिए, ये नहीं कि मैं दे दिया हूँ, ये तो 11th बोल दिया मतलब 11th बोल दिया, लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूँ 11th छोड़ो 12th भी आप मतलब एग्जाम अभी दिए हो कुछ भी नहीं आया है, मार्क नहीं निकला है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी नहीं दे सकते। ओके लेकिन और एक क्राइटेरिया है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव येट टू क्वालिफाई इन द 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड आर अलाउड टू अपीयर। हाँ जो भी बंदे मतलब दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मतलब नहीं आया या फिर नहीं निकला है कुछ मतलब उनको रिसीव नहीं हुआ है सर्टिफिकेट, वो भी एक क्राइटेरिया मतलब एक अंडर कंडीशन, एक कंडीशन के हिसाब में वो अप्लाई कर सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th, ओनली प्रूफ मतलब आपका वही तो बोल रहा हूँ, मतलब कम से कम रिजल्ट निकलना चाहिए, आप 12th दिए हो अप्लाई नहीं कर सकते, देने के साथ कम से कम आपका रिजल्ट निकला है, नहीं सर्टिफिकेट नहीं आया फिर भी रिजल्ट निकला है कि नहीं, मतलब आप कौन से डिवीजन में पास किए फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड वही तो रखेंगे ना, उसके प्रूफ भी दे सकते हो। दैट इज कब तक दे सकते हो, 24 जून, 24 जून वो डेट है 2022, उसके हिसाब से आप दे सकते हो बाय द डेट। ओके फिर चलते हैं चलो अगले अगले स्लाइड में।
अगले क्या लिख के मतलब है, देखो वही बोला है मतलब दोज कैंडिडेट, देखो आर्मी में तो बहुत इजी है, लेकिन मैं वही बोला हूँ मतलब नेवी एयरफोर्स में, नेवी तो छोड़ो, फिर एयरफोर्स में जाने के लिए भी एक मतलब बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब उनके पायलट के लिए वो जो होता है, मतलब आप फ्लाइंग ब्रांच में आप ऑफिसर बनोगे तो उसके लिए भी CPSS या फिर PABT एक बोलते हैं वो फिर करना पड़ता है। ओके हाँ, CPSS और PABT वो सब करना पड़ता है। अर्लियर और नाउ एलिजिबल फॉर एयरफोर्स इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस इफ दे फील देयर विलिंगनेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल द कमीशन ऑफिसर। जे देखो जो देखो जो मतलब यही बोला हूँ, मतलब एप्लीकेशन भरने के लिए वो एयरफोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका मतलब, लेकिन क्या है कि ये टेस्ट फेल हो गया है, मतलब इसमें ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट है वो, ये टेस्ट वो नहीं करेंगे पहले से। आप कहीं ना कहीं देखो आप आसपास ये कैसे टेस्ट ये करना, मतलब कहाँ जाके मतलब ये क्वालिफाई करके एक पॉजिटिव मतलब सर्टिफिकेट लाना है, वो उस हिसाब से पूछताछ कर लो, मिल ही जाएगा मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है। CPSS या फिर हाँ CPSS या फिर PABT क्लियर करना चाहिए, उसके बाद भी आप आ सकते हो, है कि नहीं, उसके बाद आ सकते हो, इसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो एयरफोर्स में। मतलब वो बोला है आपके पास नहीं है अप्लाई नहीं, मतलब फेल हुए हो इस टेस्ट में बैटरी एप्टीट्यूड, हाँ बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो फिर कोई कोई नहीं, फ्लाइंग में नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी में फिर आप अप्लाई कर सकते हो। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी है मतलब बाद में लिखा है यहाँ पर PDF में, मैं बोलता हूँ इसके बाद में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो भी होता है बनता है वो कितना मतलब फीस देना पड़ेगा, है कि नहीं, हाँ कितना फीस मतलब आपको कितना फीस देना पड़ेगा। देखो कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग SC एंड ST कैंडिडेट्स सॉन ऑफ, जैसे देखो कैंडिडेट जो SC ST है वो बिल्कुल नहीं देंगे। ओके एंड जो जिनका पापा जो जिनका पापा मतलब आर्मी में है, हाँ चाहे वो मतलब JC हो, जूनियर कमीशन ऑफिसर हो, यहाँ पर तो ऑफिसर के लिए वो अप्लाई कर, मतलब कमीशन ऑफिसर के लिए, चाहे वो JC हो और मतलब जो सूबेदार तक मतलब मेजर सूबेदार तक जो रैंक्स होता है वहाँ पर बैठे हो, मतलब कमीशन ऑफिसर नहीं फिर भी वहाँ पर कोई ना कोई सोल्जर्स हो या फिर अदर रिक्वायरमेंट मीन्स सोल्जर्स हो या फिर JC हो, NC हो, मतलब मान के चलो कुछ भी पोस्ट में मतलब वो हैं ऑफिसर हो, वो हैं तो और भी वो भी है, उसके साथ ही साथ भी अब ऑफिसर नहीं होगी वो अलग अलग सा सोल्जर्स पोस्ट में उन्हीं के लिए भी एप्लीकेबल है, वो बिल्कुल पैसा यहाँ पर फीस भरने के लिए जीरो उनके लिए, नहीं तो उन मतलब देखो SC ST एंड उन्हीं जैसा मतलब जिनके पेरेंट्स होंगे डिफेंस में मतलब वही आर्मी में होंगे एयरफोर्स नेवी में, वो सब फीस 1 रुपया भी नहीं देंगे, बाकी सब देंगे जो UR हो, जो जनरल कैटेगरी के हो या OBC, उनके लिए कितना रुपये है देने के लिए वो 100 रुपये, 100 रुपये किससे दे सकते हो आप, तो दे सकते हो मतलब आपके पास डेबिट कार्ड है, जहाँ भी आप मतलब कटा सकते हो उसको, मतलब डेबिट कर सकते हो कर लो। ओके तो देखो पे बाई कैश जब मतलब नहीं हो पाएगा क्या होगा, देखो वही यहाँ पर दिया है, एप्लीकेशन हु ऑप्ट फॉर पे बाई कैश मोड, पे बाई कैश मतलब डायरेक्ट कैश देना चाहता है तो ऑनलाइन में नहीं देना चाहता है, उनके लिए भी एक मतलब स्वतंत्र व्यवस्था है यहाँ पर। देखो कितने समय से कितने दिन तक आपको मतलब भरना है, लास्ट डेट है 28/6, मैं वही बोला ना मतलब ऐसे ही, इसीलिए तो मैं बोला था मतलब बहुत कुछ काम होता है सॉफ्टवेयर मतलब उनका साइट से हैंग हो जाता है, इसलिए 29 लास्ट डेट है, 28 में भी नहीं रुको, 29 तो अलग से बात है बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, 28 भी उसके मतलब जस्ट पहले दिन वो भी नहीं अप्लाई, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता डाउट में होंगे, इसलिए 27 तक आपके पास आज से मान के चलो 20 दिन है, इसलिए बोला 18 दिन है आपके पास वो अप्लाई करो, इसलिए भी पे बाई कैश भी वही है, ऑनलाइन तो एक दिन ज़्यादा है लेकिन पे बाई कैश 28 तारीख तक है, उसके एक दिन आगे तारीख तक वही मतलब पे बाई, हाँ पे बाई कैश कहाँ कर सकते हो वहाँ पर भी आप देखो जब भी अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड मारोगे तो क्लिक करोगे वहाँ पर एक स्लिप आ जाएगा, वही स्लिप को लेकर आपके नाम पे आपके ID मतलब रजिस्ट्रेशन ID कुछ भी नंबर कोड हिसाब से आपको एक पर्ची मिलेगा, उसको लेकर फिर जाना है SBI, डायरेक्ट SBI और कोई भी नहीं, डायरेक्ट SBI जाकर वहाँ पर जब भी मतलब क्लर्क जो भी बैठे होंगे उनके पास में जाकर बोलो ये मेरा ये भरना है, उसमें एक मतलब वो फिर देखेंगे उसके हिसाब से आपको मतलब आपसे 100 रुपया ले जाएंगे एंड एक कोड देंगे या फिर वहाँ से कर देंगे, फिर ऑनलाइन में हो जाएगा, नहीं तो फिर जो कोड देंगे ना उस कोड को लेकर आपको फिर रेज्यूम मतलब कंटिन्यू करना है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो।
फर्दर कंप्लीट पेमेंट तक। हाँ ओके, तो वो तो हो गया 28 तारीख तक, लेकिन मैं जैसे ही बोला था मतलब एक दिन ज़्यादा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, 29 तक वैलिडिटी है। ओके तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फिर देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यही हो गया, मतलब ये सब हो गया। अभी चलो शॉर्टकट में चलते हैं, हमको क्या करना है। मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फी एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेंड बाय ऑल सच कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स कंसर्न इंडिविजुअली एंड प्रोड्यूस्ड फॉर वेरीफिकेशन एट द टाइम ऑफ SSB टेस्ट इंटरव्यू के समय ही वेरीफिकेशन होगा। ओके, फी एग्जामिनेशन जब दिए होगी नहीं। सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल फ्री बोला, ओके हो गया। देखो अप्लाई में जैसे ही बोला हूँ, मतलब एप्लीकेशन एडवाइस टू, देखो नोट वन नोट टू यहाँ पर जो भी लिखा है वो पढ़ लो आराम से ओपन करोगे। उसके बाद मैं जैसे ही बोला था मतलब फोटोग्राफ आपको देना है, एक फ़ोटो चाहिए आपको, एक सिग्नेचर चाहिए आपको, मतलब जैसे ही आप क्या है मतलब आपका नाम गाँव एंड डेट ऑफ बर्थ जैसे ही दोगे ना, मतलब मेट्रिक्स क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट या कुछ भी नंबर्स वो दे दोगे ना, मतलब आपका एक RIT बन जाएगा जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ID। वो रजिस्ट्रेशन ID, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ओरिजिनल आपको जो ID मतलब आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वो सब लेकर रेडी होकर बैठना है। उसके साथ ही साथ क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट भी पास में रखना है, मार्कशीट भी एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, क्योंकि वो सब मतलब आपके पास सब कुछ होगा तो तुरंत अप्लाई कर सकते हो, नहीं मतलब डिले हो जाएगा, और ज़्यादा डिले हो जाएगा तो फिर मतलब होम पेज में आ जाएगा। मतलब मान के चलो दो ही मतलब पेज मतलब टैब किए हो, मतलब एक टैब कंप्लीट किए हो, सेकंड टैब में कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा डिले हो गया, आप सो गए मतलब कहाँ फिर चले गए, मतलब आप मेरे सर्टिफिकेट लाने जाता हूँ वो एग्जिट नहीं किए हो UPSC का मतलब ऑफिशियल साइट, तो वो एरर हो जाएगा। मतलब फिर जब अप्लाई करोगे फिर आपको RID मतलब जहाँ आप मतलब इनपुट करके अप्लाई करना है वहाँ पर ले आएगा, तो इसलिए बी केयरफुल। तो चलो फिर देखते हैं क्या है आगे। बी पेशेंस में डिटेल समझा रहा हूँ, इसलिए बी पेशेंस। ओके, ये सब अब जो भी है सैनिक स्कूल में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सब लिखा है। ओके, ये देखो यहाँ पर एक बात बड़ी बात है, इफ एनी कैंडिडेट अपीयर्स एट अ सेंटर अदर देन द वन इंडिकेटेड बाय द कमीशन इन हिज ई एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब एडमिट कार्ड में जो भी आपका सेंटर दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ, देखो अभी अप्लाई किए हो, एडमिट कार्ड जब भी आएगा मतलब कहीं ना कहीं एक सेंटर दे देगा। मान के चलो आप वो सेंटर नहीं जाओगे और कहीं सेंटर में जाओगे, या अप्लाई करोगे और एक सेंटर के लिए, वो नहीं होगा, वो कमीशन मतलब एक बार डिसाइड जो कर देगा जहां पर आपको देना है ही वहां पर देना है। ओके ओके, चलो फिर उसका मतलब पेपर कैंडिडेट मतलब वहां पर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका कैंडिडेचर मतलब उसका जो एग्जाम देने का तरीका, मतलब एग्जाम वो नहीं दे पाएगा तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट ऐसे ही भी हो जाएगा। ओके तो फिर चलो क्लेम सब हो गया। देखो यही बोला हूँ, नोट फुलफिल ऑल एलिजिबल कंडीशंस देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल। देखो मैं जैसे ही बोला हूँ अभी, जब भी एक बोला था ना मैं, आप ये भी क्लियर कर लिया, आप इंटरव्यू में SSB इंटरव्यू में देखो मतलब रिटर्न के इंटरव्यू में बैठो वहाँ पर भी क्लियर कर दिए हो, लेकिन आपको आप क्वालिफाई कर लिए हो, मतलब प्लस टू एग्जाम आप पास हो गए हो, मतलब मान के चलो फर्स्ट डिवीजन हो या फिर सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन जो भी हो पास किए हो, लेकिन सर्टिफिकेट देने वाले हो, मतलब फर्दर भी दे सकते हो, मान के चलो सब कुछ हो गया आप सही चल रहा है, लेकिन जब दिसंबर 2025 तक ये चलेगा, मतलब दिसंबर 2022 में जो दिसंबर है हाँ, उसके मतलब वो होते ही मतलब लास्ट डेट वही है, उसके अंदर ही मैं आपको मतलब वही जो न्यू वाला आपके पास जो होगा, मतलब आपको लग रहा है हाँ मैं सर्टिफिकेट मेरा मिल ही जाएगा, तो मैं कृपया करके ही बोल रहा हूँ आप अप्लाई करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि दिसंबर 22 तक नहीं दे पाओगे आपका सर्टिफिकेट नया वाला प्लस टू वाला, तो फिर नहीं होगा। तो इसके बाद भी वो बोल रहा है www.indianarmy.nic में भी जा सकते हो, रिटन एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दोज ऑल द कैंडिडेट हुए सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट विद द सेम ईमेल ID प्रोवाइडेड टू UPSC प्रोवाइडेड टू UPSC वाइल फिलिंग ऑफ UPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो वही बोल रहा है, मतलब देखो आप रिटन क्वालिफाई होने के बाद भी आप कैसे मतलब आपका सर्टिफिकेट मतलब जो अपडेट सर्टिफिकेट मतलब ऐड करोगे, तो इसीलिए आपको मतलब joinindianarmy.nic वेबसाइट का जाने के बाद जहाँ पर एक सर्टिफिकेट री सर्टिफिकेट आया जाएगा शायद, वहाँ पर भी जाकर आपका डिटेल्स जो भी मतलब पहले अप्लाई किए थे जिसके बेसिस पर आप एग्ज़ाम दिए हो क्वालिफाई किए हो, तो वहाँ पर भी और सही सही मतलब जो ईमेल ID वहाँ उस वक्त दिए थे या मोबाइल नंबर या फिर आपको रजिस्ट्रेशन ID जहाँ भी वो मिलेगा यहाँ पर
आफ्टर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब आपको सही ढंग से देना है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो चलो फिर देखते हैं। हाँ ये होगा, ये सभी सभी हो गया। मतलब देखो ऑल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इस, हाँ कौन कौन मतलब इंटरव्यू लिए बोला जाएगा जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा, वही बस वही लिखा है। ओके तो चलो फिर देखते हैं। हाँ ये सब हो गया, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन वही हो गया है। मतलब अभी तो मैं बोल दिया हूँ, सब कुछ बोल दिया हूँ। देखो ये यहाँ पर भी लिखा है, वही 29 जून तक आपको अप्लाई करना है। हाँ वही 29 जून तक आपको अप्लाई करना है। 29 जून तक आपको अप्लाई करना है एंड जो भी करना है, मतलब लास्ट डेट है 29 तक, मैं बोला हूँ ना जो लास्ट डेट होगा। हाँ वो तो जो लास्ट डेट होगा वो मतलब 29 तक है, उसके साथ ही साथ एंड इसीलिए आप उसके पहले कर लो एंड एप्लीकेशन भी जब विड्रॉल कब करना है, जो भी अप्लाई कर दी हो 29 उसके एक वीक के बाद मतलब एप्लीकेशन विड्रॉल कर सकते हो फिर अगले एक वीक तक। ओके उसके बाद भी देखो ट्रैवलिंग अलाउंस भी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक तो अभी करना टाइम है इसलिए नहीं, वो हर साल भी रखता है मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। बहुत बड़े बड़े सिटी मान के चलो आपके पास आपके घर से, घर का जो एड्रेस है, आप घर में रहते हो मतलब घर का जो भी एड्रेस दिए हो उसी एड्रेस से आपको सेंट्रल मतलब सेंटर का एड्रेस मान के चलो 100 किलोमीटर हो गया, तो इसलिए तो गवर्नमेंट दे देगा मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब जो कुछ लगेगा ट्रेन में आओगे या फिर बस में आओगे आपको मतलब उसके हिसाब से आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब देने के बाद जो एग्ज़ाम्स आपको मिल ही जाएगा आपके अकाउंट में, जो भी अकाउंट में पैसा मतलब डेबिट किए होंगे उसी में शायद मिल ही जाएगा बाद में। ओके तो वही लिखा है मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, आपको टायर थ्री मतलब जो ट्रेन में होता है ना टायर वन टायर टू टायर थ्री जो एसी वगैरह मतलब जो रिजर्व बगीज होता है उसी हिसाब से टायर थ्री का कम से कम टायर थ्री का एक जो सीट है उसी हिसाब से पैसा मिल जाएगा आपको। ओके तो चलो फिर देखते हैं बाद में क्या है। करेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन आर्मी एंड नेवल एंड एयर हेडक्वार्टर सभी के लिए, मतलब आर्मी में अप्लाई किया हो नेवल एंड एयर हेडक्वार्टर उसके साथ ही मतलब अभी कहीं ना कहीं उसके रेगुलर उनके मतलब साइड में भी विजिट करते रहो, यूपीएससी साइड विजिट करते करते आपका बार रोल नंबर ये सब अपडेट भी हो जाएगा। तो ई एडमिट कार्ड भी आपको मिल ही जाएगा, मैं बोल चुका हूँ वो तो यूपीएस में डायरेक्ट मिल ही जाएगा। हाँ ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवेरिएबल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये सब होना चाहिए आपका। हाँ जब भी अप्लाई करोगे ना ये सब होना चाहिए, नेम एंड द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको होना चाहिए, रोल नंबर यदि रिसीव हो गया है रिसीव तो हो जाएगा, मतलब ये एडमिट कार्ड के पहले नहीं होता है लेकिन एडमिट कार्ड जैसे आ जाएगा ना रोल नंबर एक में वहाँ पर मेंशन होगा, उससे पहले ओनली रजिस्ट्रेशन आईडी में आपके पास होगा तो वो भी मिल जाएगा। जब भी कैंडिडेट नेम देते हो ना मतलब जो भी, हाँ और एक सबसे बड़े बात यही है जब भी एप्लीकेशन फॉर्म चाहे आज एनडीए में एग्जाम में नहीं सभी एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, जब भी अप्लाई करोगे आप आज आप प्लस टू या प्लस थ्री किए हो नहीं, हाँ प्लस टू या प्लस थ्री कंप्लीट किए हो तो आप एनडीए अप्लाई किए हो लेकिन कर रहे हो लेकिन आगे जाके आपके मान के चलो एग्जाम नहीं हुआ, फिर भी कोई भी जीवन में ऐसे नहीं कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट जो कुछ दोगे कि कभी भी कहीं भी गवर्नमेंट या हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो ऑलवेज इसको मतलब एफिशिएंसी दो, मतलब प्रायोरिटी उसको दो कि मतलब ऑलवेज एकदम बड़ा लेटर में कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके तो चलो फिर देखते हैं क्या है। ये सब हो गया, इसके होने के बाद ये सब हो गया उसका मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट इनका ऑफिशियल से वेबसाइट है, मतलब जो कौन सा मतलब हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है कहाँ पर सब लिखा है वो सब पढ़ लोगे। ये तीन ही साइड है मतलब जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सीडाक डॉट इन और जॉइन इंडियन नेवी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये सब आप भी क्लिक कर सकते हो। इसके साथ ही मैं जैसे बोला यहाँ पर भी फीस दे दिया जॉइन इंडियन आर्मी एंड जॉइन अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट्स एंड एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ द फाइनल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा लेकिन एयरफोर्स में एक ज़्यादा कुछ होगा, बाकी में तो सब सिलेक्शन होने के बाद भी सब हो जाएगा, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट लोगे फिर ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे लेकिन क्या होगा एयर मतलब एयरफोर्स में और एक टेस्ट होगा, मैं जैसे बोल चुका हूँ पायलट टेस्ट होता है जो बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं या फिर पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट कंप्यूटर के थ्रू होता है उसको CPSS बोलते हैं, वो भी होगा कि नहीं वो होगा CPSS। तो अभी चलो फिर क्या टू स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीडर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, मतलब पहले रिटर्न दोगे रिटर्न क्वालिफाई होगा आपको लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर इंटरव्यू देना है कि नहीं।
तो वो कॉलेज में हो गया तो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन एयरबस में थोड़े बैटरी टेस्ट दे देना है, बैटरी टेस्ट उसके बाद हो जाएगा, ये सब हो गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी कैंडिडेट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ एयरफोर्स इज गिवन कॉम्पिटेटिव पायलट सिलेक्शन सिस्टम, वही जो मैं बोला हूँ, ओके वो सब क्लियर करना है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, इसमें टेंशन अभी से मत हो। देखो डिस्क्वालिफिकेशन किस कैटेगरी में आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाओगे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्स। देखो आप तो सभी सिलेक्शन होने के बाद भी आप ट्रेनिंग में जाए गए हो, उसके बावजूद भी आप फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हो। देखो मतलब रिस्क भी बहुत है, ये नहीं कोई बोल सकता है कि मैं एक बार में क्वालिफाई हो गया तो हो गया, नहीं। देखो वहाँ पर यही हो सकता है, कैंडिडेट्स हु वेयर एडमिटेड टू एन अर्लियर कोर्स एट द नेशनल डिफेंस एनडीए में जाके अर्लियर कोर्स वेयर एडमिटेड हो गया है, या फिर प्लस टू कैडेट एंट्री स्कीम ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी बट वेयर रिमूव टू देयर फ्रॉम फॉर लैक ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटी। देखो आपको वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू जैसा मतलब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में मतलब देखो सभी लगभग सभी मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आप एकदम जीरो हो यहाँ पर तो आप कैसे भी मतलब मान के चलो निकाल दिए हो, एग्जाम सिलेक्शन ले लिए, लेकिन वहाँ पर जीरो जैसे मतलब माइंड में जीरो जैसे मतलब वर्क में भी आपका होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसके ऊपर में भी आप विचार रखना। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बोल चुका हूँ, बस कैसे करना है। देखो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम है, ये तो सब कुछ मैं बोल दिया, मतलब आपके पास 20 दिन है आज से लेकर, एंड 20 दिन के बाद एक वीक के बाद 20 दिन के बाद एक वीक मिलेगा, वन वीक मिलेगा, वन के बाद भी आप अप्लाई किया हो तो विड्रॉल कर सकते हो, मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ ये भी कर सकता हूँ, वो बात की बात है। लेकिन उसके बाद हाँ एज भी बोल दिया हूँ, मतलब 2003 जनवरी में आपको आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ आप जन्म हुए हो एंड 2006 तक तो आप एलिजिबल हो, 2003 से पहले या 2006 के बाद 2006 के पहले या फिर 2006 के बाद आप नहीं होगा, ओके आपका मतलब बर्थ हुआ है डेट ऑफ बर्थ है तो फिर नहीं होगा, सब कुछ हो गया। लेकिन बस दो ही चीज़ में अभी शॉर्टकट में बोल देता हूँ, आपका भी मतलब वही भी लग रहा होगा सर क्यों ये नहीं बोल रहे हैं, वो जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है एंड सिलेबस, स्कीम एंड सिलेबस। स्कीम में क्या है, देखो स्कीम में जो आपका मतलब रिटन एग्जाम्स होगा वो 900 मार्क में होगा, उसके बाद जो आपका मतलब पर्सनल टेस्ट होगा वो भी 900 मार्क में होगा, मतलब कुल मिलाकर 1800 मार्क में होगा, वहाँ से सिलेक्शन आपको मतलब मेरिट लिस्ट के हिसाब से हाइस्ट कट ऑफ जितना जाएगा उससे आपको पता चलेगा, और कैटेगरी हिसाब से भी कट ऑफ जाता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में कैटेगरी हिसाब से मतलब जनरल कैटेगरी में कितना गया, एसी में कितना गया, कहीं ना कहीं जनरल सबसे ज़्यादा जाता अधिक जाता है, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी एंड एसटी, तो मान के चलो वो तो अलग सा बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन देखो सब्जेक्ट देखो आपको जो भी मतलब रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट कोड दो ही होगा एंड दो ही अलग अलग टाइम में भी एग्जाम होगा, पहले हो जाएगा मैथ का एग्जाम, हाँ पहले जो होगा मैथ का एग्जाम हो जाएगा, उसको जब भी मतलब आपको ओएमसी सीट ऐसे दे देंगे ना, आपको जो फिलअप करोगे नेम रजिस्ट्रेशन ये सब जो भी मतलब हम मेरा रोल नंबर सब भरोगे, इसे लेफ्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड होगा यहाँ पर लिखा होगा, या फिर यहाँ ऊपर अपर राइट या फिर अपर राइट या फिर लोअर लेफ्ट, ऊपर राइट या फिर लोअर लेफ्ट में लिखा होगा, जहाँ पर होगा सब्जेक्ट कोड जो भी होगा सब्जेक्ट कोड ए बी और सी और डी वहाँ पर भी आपको मतलब कर देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट कोड 1 है 01 उसको दे देना है। देखो आप सब कुछ किए हो लेकिन सब्जेक्ट कोड देना भूल गए हो फिर भी आपका पेपर रिजेक्ट आगे नहीं देखा जाएगा, आप मैथ में दिए हो गलत मतलब जल्दबाजी में सब्जेक्ट कोड 01 02 लिख दिए हो वो भी रिजेक्ट, इसलिए एप्लीकेशन आज से जब अप्लाई करोगे अप्लाई करने से लेकर मतलब एग्जाम देने तक सब में होशियार रहना है, मतलब बी श्योर एंड बी परफेक्ट एंड बी हार्ड वर्क हार्डवेयर भी करो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप एक दिन जरूर फिर ऑफिसर बन जाओगे फिर आके मेरे चैनल में यही वीडियो में कमेंट दोगे कि हाँ आप सर बहुत कुछ बोले थे हम मतलब इन्फ्लुएंस बहुत कुछ किए थे अच्छे तरीके से, बहुत समय टाइम लिए हो नहीं लिए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, ओके तो चलो फिर देखते हैं क्या दिया है। हाँ यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो मैथ में जो होगा 2.5 घंटा मतलब एग्जाम होगा, 2.5 घंटा एग्जाम्स होगा वो मैक्सिमम मार्क वहाँ पर होगा 300। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आएगा, जनरल साइंस में भी होगा एंड तुम्हारा जीके भी होगा और करंट अफेयर भी होगा सब कुछ, लेकिन मैथ में ओनली मैथ आएगा, ये जो है इसलिए ज़्यादा हो गया मतलब 600 मार्क है, सेम ड्यूरेशन सेम है लेकिन ये है मतलब 900 एंड इंटरव्यू क्वालिफाइंग इंटरव्यू 900,
मिलके हो गया कितना 1800। ओके तो डायरेक्ट अभी चलते हैं सिलेबस क्या है। देखो जो पेपर वन में है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अलजेब्रा मतलब वहाँ पर भी क्वेश्चंस आपको मतलब अलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये कि अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा में जो सेट जो प्लस टू में पढ़े हो, पहले जब एलिमेंटरी मैथमेटिक्स जब स्टडी मतलब कॉलेज गए हो प्लस टू फर्स्ट में जो मतलब स्टार्टिंग करते हैं या बुक्स ओपन करते हो जो है वो है सेट, वहाँ से भी मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। क्लियर हो नहीं हो तो फिर अभी से अभी क्लियर कर लो, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन सेट थ्योरी आएगा, वेन डायग्राम आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एंड रिलेशन थ्योरी भी वहाँ पर भी क्वेश्चंस आ जाएगा। ओके फिर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन ए रिप्लेसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर में भी आएगा, सेट में आएगा क्वेश्चन में पहले ऊपर बताया, रिलेशन फंक्शन में आएगा क्वेश्चन, यहाँ पर रियल नंबर में आएगा, क्यूब रूट आएगा, हाँ क्यूब रूट भी आएगा, क्यूब क्या है आएगा एंड बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, बाइनरी सिस्टम मतलब 01 जहाँ कंप्यूटर कोड भी उनको बोलते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, मतलब बाइनरी सिस्टम को कैसे हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ऐसे भी कुछ आ सकता है। हाँ वही बोला मैं, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम आ जाएगा, वाइस वर्सा आएगा, अरिथमेटिक आएगा, ज्योमेट्रिक आएगा, जीपी जानते हो कि नहीं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी ये सभी आएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहां पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में जो होगा इक्वल टू जीरो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दो घात समीकरण वहां पर भी क्वेश्चंस आएगा ठीक है नहीं। परमुटेशन कम्यूटेशन भी आएगा, बाइनोमियल थ्योरम में भी आएगा एंड एप्लीकेशन लॉगरिथमिक लॉगरिथम भी आएगा। ये सब जितना भी सिलेबस है सभी ओवरऑल फोकस कर लो, कुछ कुछ मतलब जो भी टॉपिक है छोड़ सकते हो, नहीं तो लगभग 80% आपको यहाँ से देखना चाहिए, मतलब यहाँ से बस डायरेक्ट सवाल आ जाएगा फिर फंस जाओगे, इसलिए देख के चलो। ओके फिर देखते हैं क्या है, फिर यही है कि मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के मैट्रिक्स है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और टोटल ऑल अबाउट क्रामर्स रूल्स मैट्रिक्स ऊपर, मतलब पहले हो गया तुम्हारा अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंडर मतलब सेट थ्योरी बाइनरी सिस्टम मतलब बहुत कुछ जो भी आया हार्मोनिक बाइनोमियल थ्योरम परमुटेशन कमीशन एपी जीपी एचपी ये सब, उसके बाद मैट्रिक ऑल अबाउट मैट्रिक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे ही जानते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक जो जितना भी है साइन कॉस टैन कोसेक कोसेक उसके साथ ही साथ भी हम उसके मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है एंड ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टीज में भी अप्लाई होता है, वो सबको भी देखना है। उसके साथ ही साथ भी एंगल रेडियन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जैसे कि साइन कोस बोला, उसके साथ साथ ही भी मतलब हाइस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज वो भी देख लेना है। ओके उसके बाद ही क्या है, उसके बाद ही एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ टू एंड थ्री टू डी थ्री डी भी सब आएगा, जो भी आपका मतलब 2D एंड 3D जो भी पढ़े हो प्लस टू में सब कैसा आएगा। उसके बाद में क्या है, डिफरेंशियल जो हम बोलते हैं ना डिफरेंस, उसको डिफरेंस करो एंड इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशियल कैलकुलेशन भी आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन भी आएगा। उसके साथ एग्जाम्पल एलजेब्रिक ऑपरेशंस कंटिन्यू ये सभी है, डेरिवेटिव एप्लीकेशन सब कुछ आएगा, मतलब जितना भी जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस एक चैप्टर उठा लो उसके अंदर में जो भी आपको एक कंटेंट में होगा बुक्स में या फिर आपके पास तो नोट होगा ही तो आप इसमें प्रैक्टिस कर दो, या फिर आपको जो मतलब लेक्चर्स होंगे उसके भी हेल्प ले लो थोड़ा। हाँ मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, वो भी आप आराम से क्लियर कर पाओगे। उसके साथ से इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बहुत कुछ है, हाँ वो भी जितना भी है मतलब एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम्स ग्रोथ एंड डीके डिटरमिनेशन ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स बाउंडेड बाय कर्व्स एप्लीकेशन, हाँ मतलब जो भी मतलब इंटीग्रल देखो वह ऊपर गया, मतलब ऊपर में जो बोला डिफरेंशियल डिफरेंट करके जो कुछ भी मतलब क्वेश्चंस डिफरेंस सेट करके भी कर सकते हो, डिफरेंशियल मतलब कुछ बड़ा को मतलब छोटा छोटा करके जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको डिफरेंशियल वो भी कर सकते हो। लेकिन देखो वहाँ वो भी चैप्टर में होगा बड़ा से छोटा, तो छोटा से बड़ा भी जो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो उसके बेस पे भी तो फिर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस वो दोनों ही टॉपिक ले लो अच्छे से, तो चैप्टर्स कवर कर लो वो भी हो जाएगा, दोनों टॉपिक्स लेके उसके अंदर में जितना भी चैप्टर्स होंगे सबके सब क्लियर कर लो। उसके बाद देखो फिर वेक्टर आ जाएगा, देखो मतलब जैसे मतलब फिजिक्स में भी पढ़े होंगे स्केलर एंड वेक्टर इस बस वही मतलब ट्रायंगल्स में यूज होता है जहाँ कहीं भी यूज होता है वो वेक्टर, उसका मतलब एप्लीकेशन क्या है वो सभी कुछ यहाँ पर देख लो आराम से पढ़ पाओगे बस। उसके बाद क्या है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में जैसे बोला प्रोबेबिलिटी भी जैसे प्रोबेबिलिटीज के अंडर में आता है क्वेश्चन, हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है हिस्टोग्राम पाई चार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस सभी में स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ईजी है, ये तो आपको बहुत मतलब
अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ये तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये जहाँ भी है वहाँ पर। ओके, ये तो मतलब जो भी था मतलब स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी, वो आप आराम से क्लियर कर पाओगे ये चैप्टर। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी, जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े हो उसके साथ भी और एक रिलेट होता है, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाए। उसके मतलब ये भी टॉपिक्स अच्छे से कर लो, यहाँ पर भी वही आएगा, मतलब सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं, आउटकम्स कैसे होता है, हाँ स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल के साथ, हाँ एंड रैंडम वेरिएबल कैसे होता है, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं, बेस थ्योरम, एक थ्योरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, ये भी कर लो। ओके तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये तो पेपर वन ख़त्म हो गया, मतलब 300 मार्क का मतलब 4-5 जो टॉपिक था, डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस हो, प्रोबेबिलिटी हो या फिर अलजेब्रा हो, और सभी में तो कंप्लीट हो गया 300 मार्क। इसके बावजूद भी 600 मार्क आएगा, लेकिन वो 300 मार्क ओनली वन सब्जेक्ट में आया, मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर जो 600 मार्क है वो पार्ट में, उसको पार्ट में मतलब डिवाइड करते हैं, वो पार्ट्स में फिर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि तो इंग्लिश जो होगा वहाँ पर आएगा 200 मार्क, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको एक पार्ट में 300 मार्क, लेकिन यहाँ पर 3 पार्ट्स में ईच 200 मार्क। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पूरा तरह मतलब देखो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में मैं कवर कर दूंगा, देखो मेरे चैनल में इंग्लिश में देख लो आराम से कवर हो जाएगा। मैं कल कल से फिर पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश भी। तो बस देखो क्या यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में ऐसे ही मतलब ये सब पढ़ना है। क्वेश्चंस पेपर इन इंग्लिश भी विल डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंड ऑफ इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश है बस वही आएगा, ऐसे कि नहीं कि बहुत मतलब जैसे कि मतलब सिविल सर्विस छोड़ो, जैसे कि सीजीएल, सीजीएल जानते हो या नहीं जानते होंगे, तो मतलब जो एसएससी कंडक्ट करता है कराता है ये यूपीएससी नहीं, वहाँ पर भी आप नहीं पा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मिल जाएगा मतलब वहाँ पर भी तो बहुत मतलब डेप्थ में क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बस ऐसे ही आ जाएगा बेसिक इंग्लिश, बस उसी को याद कर लो। विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स, ग्रामर आ जाएगा, ग्रामर कुछ पढ़ लो एंड यूज ग्रामर जो है ख़त्म कर लो, वोकैबुलर जितना है ख़त्म कर लो। वोकैबुलर के लिए सबसे बेस्ट है मेरा चैनल, मैं 10 डेली वोकैब कराता हूँ, मतलब 10 10 वर्ड, 10 10 मान के चलो एवरेज 8 वर्ड करा रहा हूँ, तो एक मंथ में आपका एग्जाम खत्म मतलब होने तक आपका मतलब 240 वर्ड्स हो जाएगा। कैसे ना, एक दिन में 8 वर्ड, सॉरी 240 × 3, आपको 600 720 720 आपको वर्ड आपको मैं मिल जाएगा, कैसे ना एक दिन में 8 वर्ड आ पाए, तो आप 3 मंथ तक हिसाब कर लो, कैलकुलेट कर लो, आपको इतना ही वर्ड मिल जाएगा। उसके साथ ही मतलब ओनली वर्ड नहीं, एक वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके साथ उसका सिनोनिम क्या है, इसको एंटोनिम मतलब सिनोनिम समान अर्थ बताओ विपरीत अर्थ, वह हम सभी क्लियर कर सकते हो। ओके बहुत क्विकली क्लियर कर सकते हो, अच्छे से मेरे प्लेलिस्ट जाके डेली वोकैब देख लेना। उसके बाद एक कंपटीशन एंड क्वेश्चन एंड एक्सटेंडेड टेस्ट कैंडिडेट प्रोफेशन इन इंग्लिश। ओके और फिर क्या रहेगा, मतलब और एक है जनरल नॉलेज, देखो जनरल नॉलेज में क्या आएगा वही बोला, जनरल नॉलेज में पहले तो साइंस टॉपिक है, साइंस टॉपिक में तो आप जानते हो खुद ही, जैसे कि साइंस हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल तो आएगा, जनरल साइंस में आएगा एंड जनरल स्टडीज़ में आएगा, जीके आ जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, आपका हिस्ट्री आएगा, करंट अफेयर आएगा, सॉरी हिस्ट्री नहीं है, करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल स्टडीज़ आएगा, बस जनरल साइंस ही तो आएगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैथ में स्वतंत्र एक आपका 300 मार्क है, तो उसमें तो फिर आप अच्छे से जग मतलब प्रिपेयर करना। ओके सेक्शन है हाँ, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके सभी के मतलब टॉपिक देख लेंगे क्या क्या है। देखो फिजिक्स में देखो क्या आएगा, मतलब मैटर स्टेट समझ, जो बेसिक बेसिक आपका देखो बेसिकली प्लस टू फर्स्ट ईयर का सब कुछ कोर्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी सब कुछ खत्म कर दो, एंड सेकेंड ईयर में जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से मतलब पीडीएफ से पढ़ लो, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, मतलब ऐसे या अभी भी स्क्रीन शॉट, हम इसको हटा देता हूँ, हाँ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, अभी ले लो स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट लेकर भी जो जो इम्पोर्टेंट मतलब सेकेंड ईयर में है, बस सेकेंड ईयर में सब कुछ नहीं है, आधा आधा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर सब कुछ है, इसलिए दोनों ही चैप्टर पर बुक्स उठा लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब स्टेट ऑफ मतलब मास वेट ग्रेविटी प्रिंसिपल मैटर ऑफ मोशन वेलोसिटी है, तो उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हीट चेंज हीट, उसके बाद साउंड नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट अर्थ मैग्नेट करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्कुट हीटिंग लाइटिंग
प्राइमरी सेल, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम नहीं है सर, नहीं है, सिंपल पेंडुलम, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मोस फ्लास्क, डेली यूजेस जो है कैसे फिजिक्स से रिलेट करते हैं वो भी, जैसे भी टॉपिक्स है वहाँ पर, यहाँ पर भी जो भी टॉपिक है वो भी सभी आप प्रिपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं, केमिस्ट्री में वही हो गया, मतलब केमिकल एक्सचेंज कैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड, सिंपल फार्मूला एंड सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल सिंपल मतलब कि आटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये सब उसके सिंबल एंड पीरियडिक टेबल, फार्मूला, ये सब कुछ याद कर सकते हो। उसके साथ हाइड्रोजन में जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन कार्बोसाइड है, देखो इतना ही प्रिपेयर करो जितना ही सिलेबस में है, यही मैं बोलना चाहूँगा। उससे बाहर मतलब तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम आ सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कैसे एसिड में होता है, आर्टिफिशियल है, मतलब रेन होता है, कैसे ग्लास बनाते हैं, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैचेस, ओके, हाँ सेफ्टी मैचेस, सेफ्टी मैचेस, गन पाउडर, एटम, मैं बोला ना एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर वेट, बैलेंस, ये सब है। उसके बाद आएगा फिर जनरल साइंस, मतलब वही है, मतलब बायोलॉजी है। डिफरेंस बिटवीन आपका आ जाएगा नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लाइफ, सेल, टिश्यू, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो बेसिक सा जो भी टॉपिक है उसको उठा लो पढ़ लो हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी है, एपिडेमिक्स मतलब जो मतलब वहाँ डिजीज होता है उसके लिए क्या करते हैं, हाँ ये सब हो गया। सोलर सिस्टम, एट्रोकॉमेट्स, सोलर सिस्टम है कैसे, मतलब उसके बाद मतलब फिर इक्लिप्स कैसा देखते हैं, मतलब देखते हैं हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे जिसको बोलते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, मेटर्स, कॉमेट्स मतलब ताराओं क्या है, ये सब देखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर आ गया मतलब जीके, जो पर्सन्स अभी अभी तक भी जो भी कुछ चल रहा था, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन सब्जेक्ट जो रिलेटेड नहीं है, जो टॉपिक बहुत अलग अलग सा, मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद हायर बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब के लिए जो सब सभी कुछ जो कॉमन है अप्लाई करते हैं पढ़ते हैं, वही टॉपिक है। हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के मतलब गांधी जी के टाइम, मतलब मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री थ्री टाइप्स का होता है, मतलब ओल्ड, मीडियवल, मध्यकालीन एंड अभी 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 अभी, मतलब देश स्वाधीनता होने मतलब होने से 80 साल पीछे, मतलब या 60 साल पीछे चले जाओ उसके तक, मतलब 1990 1880 से लेकर 1950 तक, तो आप मान के चलो उसके अंदर में जो भी क्वेश्चन आएगा, या फिर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में उसका गठन हुआ था, वहाँ से भी लेकर आप, मतलब वही है कि यही है कि इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायत राज है, भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, टीचिंग, बेसिक टीचिंग, महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल थे, उनके देश के पिता के जो भी प्रिंसिपल्स थे, उसके साथ ही साथ फोर्स शेपिंग द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस, मतलब जो थे मॉडर्न वर्ल्ड को हमारे, मतलब जो हमको जो उत्थान किए थे, मतलब जो अपलिफ्टमेंट दिए थे, जैसे कि ब्राह्मण समाज हो गया, मतलब जो भी जितने समाज है, देवी दयानंद सरस्वती जी थे, उसके साथ जो फादर ऑफ रेनेसांस जिनको बोलते हैं, जो मेल पर्सन थे, फादर ऑफ जो जिसको रेनेसांस बोलते हैं वो है, उनको उनके लिए भी डेडिकेट है, वो आप जाके भी पढ़ सकते हो। उसके साथ ही साथ भी वर्ल्ड वर्ल्ड का भी हिस्ट्री थोड़ा दे दिया है, हाँ यही तो दिक्कत है, जो भी है कोई नहीं, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच के ऊपर पढ़ लो, रूसियन के ऊपर पढ़ लो एंड यूनाइटेड नेशन के ऊपर पढ़ लो, बस इतनी ऊपर पढ़ लो हो जाएगा। उसके साथ से उनसे जो हमारे इंडिया में, इंडिया जहाँ अलग सा मतलब कंट्री में जाके कुछ क्या था, मतलब वह भी हिस्ट्री में, जैसे कि पंचशील समिति बोलते हैं, उसमें 5 कंट्रीज ने मतलब भाग लिया था, मतलब वहाँ पर भी हम ही मतलब जो लेट हो गए हैं क्या, मतलब मर गए थे वहाँ जाके, मतलब ताजिकिस्तान जाके मर गए थे, मतलब उनका डेथ हो गया था, जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके ऊपर में भी है। रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट, अभी के लिए इंडिया का क्या रोल है, सब पढ़ोगे, ओके। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मतलब ऐसे ही मतलब बेसिक सा टॉपिक जो है, एक मैप तो एक पहले कंप्लीट मतलब देखना पड़ेगा, लैटिट्यूड उसका, लंगिट्यूड उसका, डेट ऑफ लाइन, इंटरसेट, डेट ऑफ लाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे मतलब हुआ है, मतलब ओरिजिन उसका हुआ है, मेटल कितने टाइप्स के मेटल होता है, हाँ ये सब के सब, ओके, वो सब के सब, करंट ऑफ ओशन, करंट ऑफ टाइड्स, प्लानिटर विंड्स कितना प्रकार, मतलब जो जो होता है, मतलब जिसको साइक्लोन बाढ़ आता है जब भी बोलते हैं, वो कितना टाइप का होता है, बाढ़ के ओपोजिट एंटी साइक्लोन क्या है, कौन सा कंट्री में, बाहर कंट्री में भी, एब्रोड में भी कैसा, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ पर,
यहाँ पर एटमोसफियर मतलब जो भी कैसे है, मतलब क्लाइमेट वहाँ पर भी जो अलग है फॉरेन कंट्री में वो भी कैसे है, सब के सब। एंड उसके साथ साथ इंडिया में हमारे देश में जितने मतलब नदियाँ हैं एंड रिवर है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन, मिनरल पावर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया, कितना कितना मैंने एरियाज कवर किए हैं वो सभी के सभी, ये सभी के सभी बावजूद भी आपको और एक पढ़ना है जो करंट इवेंट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ करंट इवेंट एंड डेली वो कभी दो चीज़ देख सकते हो। आगे भी मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री ये भी पढ़ने वाला हूँ, SS रेलवे में प्ले लिस्ट में रहेगा वो भी पढ़ लो, अब हो जाएगा जो आपके हिसाब से पढ़ना है। अभी बस आपके मतलब सिलेबस से कुछ मेहनत, मतलब जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ वो भी मैं साइंस में जो भी आता है मतलब रेलवे SS में आता है वो भी जो पढ़ा पढ़ा होगा अभी अभी कल से, कल या परसों से स्टार्ट करूँगा वो भी देख सकते हो। बस जो आपको करना है खुद के टेक्स्ट बुक से फिजिक्स हो या फिर मैथ हो, मैथ मतलब फिजिक्स में नहीं मैथ, मैथ भी जो 300 मार्क है बस उसको कवर करो, बाकी मेरे चैनल से पढ़ो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ओके आप आराम से जब भी लग सकते हो, मैं जो 600 मार्क मेरे हाथ में वो 300 मार्क आपके हाथ में है, क्योंकि अभी मेरे पास फैकल्टीज नहीं है और मैं टाइम नहीं दे सकता, अलग सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो अलग से कुछ मतलब बच्चों जो हैं उनके मतलब उनके कोर्सेस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए टाइम नहीं होगा, इसलिए बोला, नहीं तो फिर करा देता क्योंकि मैं खुद ही मतलब साइंस स्टूडेंट था तो इसलिए। तो चलो फिर करंट इवेंट में क्या आएगा, नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट्स आ जाएगा, दैट हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, करंट इंपोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट हो, फिर इंडिया इंटरनेशनल जितने MOU डील साइन हुआ है फिर, या फिर कुछ हो गया है करंट इवेंट, जितना भी एक्टिविटीज है साइंस रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आया है, इन्वेंशन हुआ है, इसरो DRDO ने क्या क्या मतलब अस्त्र शस्त्र मतलब बना दिए हैं वो सब के ऊपर भी आप देख सकते हो, है ना। बस ये हो जाएगा, ये सब क्लियर होने के बाद आपको इंटरनल पर्सनल टेस्ट जाना है, वो जाते जाते आपको उस टाइम आप पहले क्लियर कर लो, वो फिर एक लेक्चर में बोल दूँगा। ओके बस इतना ही था बस आज के लिए, तो बस इतना ही था जो जो मैं बोला, मतलब लास्ट डेट है 29 एंड 100 रुपये आप UR जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो आप दे सकते हो, नहीं तो आप SC हो ST हो और उसके साथ साथ आप आपके पापा जी मतलब पेरेंट्स पापा जी या फिर मम्मी जी जो भी हैं मतलब डिफेंस में होंगे उनके लिए तो 0 ही फीस है। ये सभी के साथ ही साथ आपको मतलब क्या क्या करना है डिटेल सिलेबस भी बोल दिया, उसके साथ ही साथ सब कुछ मैं बोल दिया लगभग। हाँ, और एक बात है मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो मेडिकल में एकदम लास्ट में बोल देता हूँ, जो मेडिकल से वगैरह आपको मतलब, हाँ यहाँ पर ऐसे ही मैं बोला था ना चार गोल आएगा ऐसे ही मतलब टिक करना है, देखो यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से देखो, ऐसे ही मतलब आपका मतलब पहला वाला क्वेश्चन एक आंसर होगा तो तीन ही ऑप्शन है और ए ही आंसर, ऐसे ही मतलब ऐसे कर कर करने के बाद ऐसे ही दिखेगा, तो आपको क्या करना है बस अब एक गोल को ऐसे पूरा एग्जैक्टली गोल करना है, नहीं तो फिर आप मान के चलो इसको आधा गोल कर दिए, किसको बी को, बी को आपके मान के चलो आधा गोल कर दिया ऐसे ही बस इतने ही रखे टोटल मतलब डार्क नहीं के वो फिर भी वो रिजेक्ट हो जाओगे, इसलिए कंप्लीट गोल करना है आपको। ओके एंड सब्जेक्ट कोड बैठा देना है, सब्जेक्ट कोड में जैसे बोला आप सेकंड पेपर देने के लिए गए हो 6 मार्क में वहाँ पर ऐसे ही करना है, 0 मतलब देखो जो भी नंबर कैसे सब्जेक्ट, यहाँ पर ए है जो कलम देखो, यहाँ पर 0 है कलम देखो, जहाँ पर 0 होगा उसको गोल करो, यहाँ पर एक है देखो सब मान के चलो 09 होगा, पहले में बोला 0 उसके कलम कलमन को देखो 0 है ऊपर लगा लो, यहाँ पर 9 है ये नहीं कि 0 यहाँ पर 9 यहाँ पे लगा लो, नहीं 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर लगाना है 9 इसको गोल करना है, ये हो जाएगा फिर 09 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे है 02 यहाँ पर लगाओगे तो 0 तो 0 यहाँ पर 5, लेकिन जो भी है वहाँ पर कलम को भी देखो उस हिसाब से जहाँ कलम में जहाँ पड़ेगा ये नंबर, यहाँ पर एक मेंशन है जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पर लगाना है। ओके आपको समझ में आएगा कि नहीं, बस ऐसे ही करना है, लास्ट में जो एक्चुअली और कुछ ही मतलब बाकी रह गया थोड़े बात वही है कि आपके मतलब क्या होना चाहिए, हाँ आपके जो मतलब कंडीशन प्रॉब्लम्स होगा, देखो प्रॉब्लम्स क्या होगा आपके जो आईज है 6x6 होना चाहिए, 6x9 से होगा होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कुछ है आप PDF से अच्छे से पढ़ लोगे, बस इतना ही था। एंड ज़्यादा कुछ डिजीज है आप कंटिन्यूसली ड्रग्स लेते हो, मतलब ड्रग्स मतलब मेडिकल वगैरह मतलब टेबलेट लेते हो, या फिर आपके मतलब दांत में आपको पायरिया है, दांत से बदबू आ रहा है मतलब बहुत दिन से आपको मतलब दांत सही नहीं है, वो सब अभी से ठीक ठाक कर लो। ओके क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे उससे मतलब वो सब के मतलब ठीक ठाक कर लो, नहीं तो आगे चल के आपको आपको मतलब
इंटरव्यू के टाइम के बाद मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर वेरिफिकेशन टाइम, सो बी केयरफुल। तो बस इतना ही था, आई थिंक मैं सब कुछ बता दिया, मतलब होल कम्प्लीटली द लाइफ टाइम में भी और कहीं भी देखना नहीं चाहिए। तो चलो तब तक के लिए भाई, फिर मैं नेक्स्ट कुछ लेके आता हूँ, नहीं तो फिर जो भी। हाँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, कल से मैं जो यूपीएससी के ईपीएफओ वालों हो जो ईपीएफओ अप्लाई किए थे, मई 9 एग्ज़ाम था, पोस्टपोन हो गया है, उनके लिए लगातार मैं रेगुलरली डेली बेसिस में सिर्फ संडे छोड़कर मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी देखना ना भूले। तो जय हिंद।